आज मैं हूँ आपकी होस्ट आरती। आज अपने एपिसोड में हम आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहे हैं। देखिए शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर लहंगों की बात ना करें तो भला कैसे हो सकता है। तो आज आपको हमारे शो में बताएंगी मास्टर साइड रेपिस्ट कल्पना शाह। आपको बताएंगी कैसे आप बॉलीवुड स्टाइल में भी अपनी साड़ी को लहंगे की तरह ड्रेप करके ब्यूटीफुल लग सकती हैं, संगीत में डांस वांस भी कर सकती हैं। तो आइए बात करते हैं कल्पना जी से। आपको लहंगा स्टाइल पहनना है तो आपको सबसे पहले ये नाड़ी जो अपनी है उसको थोड़ा सा लूज बनना है और फिर उसको बनना है वैसे जिससे अपन मूव कर सके। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है साड़ी को। पहले आप यहाँ से जो अपन पहना थे वैसे ही पहनिए। थोड़ा लूज है पेटीकोट आपका, तो इधर से पीन से आप सिक्योर करिए। तो ऑडियंस आप ध्यान से देखिए, अगर आप खुद अपने आप साड़ी को पहनना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा इसकी जो नाड़ी है पेटीकोट की थोड़ी ढीली रखनी पड़ेगी, इससे आप आसानी से मूव कर सकते हैं इसे बनाने के बाद। उसके बाद आप मूव करते आप मूव द पेटीकोट, देन आप मूव करेंगे ये, देन वी विल टेक अ प्लीट। We took this pleat, one pleat, and secured with the pin. And no matter how much you dance in your sangeet, sari would go even a slight up and down. Again. Again, I'm rotating it. Now I have to take three pleats in front. Before that, in front, I'm taking one more pleat. How much have we done already? 1, 2, 3, 4, 5 pleats we have taken. 6, this is the 6th one.
इसके बाद we have to get our original position that we have to take. Now where we began our string, I'm tightening that. तो आप देख सकते हैं कि हम बीट्स बना के उसको तो आप देख सकते हैं कि बीट्स बनाकर रोटेट करते करते हम वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन पर आ गए हैं, जहां पर आकर हम सिनेरियो को टाइप करेंगे. उसके बाद आपको पल्लू प्लीट बनाना है, फिंगर से पकड़े दिस वे. तो पद्मा जी, क्या लहंगा स्टाइल साड़ी में भी प्लीट्स छोटी लेनी होती है? जरूरी नहीं है, पर इसमें छोटी लेंगे. इसमें भी हाफ इंच ऐसे छोड़ना है. इसमें अपन ने कितना, 1, 2, 3, 4, 5 and a half. 5.5 and 4.5 is common for 3.5 some elder people, 2.5 for the elder people who are above 50-60. और साड़ी के बॉर्डर के अकॉर्डिंगली भी प्लीट छोटी या बड़ी ले कर सकते हैं. तो प्लीट बनाने के बाद हमें उसको पिन से सिक्योर करना है. इसका पल्लू अपन थोड़ा फ्रंट में लेंगे, इसे पीछे से घुमा के राइट हैंड साइड से सॉरी आगे से लेंगे. लेंथ कितनी चाहिए एप्रोक्सीमेट? ये लेंथ लेंथ नीचे नहीं लेना है, क्योंकि इसका लहंगा लुक थोड़ा शॉर्टली शॉर्ट बिट शॉर्टली जस्ट अबाउट द नी, अबाउट द नी. उसके बाद जो रिमेनिंग है अपना, उसमें वापस लहंगा लुक लेंगे, छोटे छोटे पीस और बनाएंगे. तो ध्यान रखिए कि लहंगा लुक में आपको जो पल्ले की प्लीट्स हैं वो अबव द नी होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए. फिर अपना अपना चॉइस रहता है, पर ये ज़्यादा शॉर्ट पल्लू में अच्छी लगती है. अभी मैं इसको भी पिन से सिक्योर करूँगी. और एक प्लीट आएगी, बस यहाँ से आपको स्टॉप करना है. दिस इज आवर लास्ट स्टॉप. करने के लिए हमको लास्ट स्टिकिंग करके इसको छोड़ देना है. छोड़ देना है. इसको भी एक पिन लगा देंगे, जिससे नीचे नहीं. अभी आपने नाड़ी भी टाइट कर दी है, तो इसे ड्रूपिंग नहीं लग रहा है ना. कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है. और जब मैं पहनने वाली थी तो इतनी भारी साड़ी थी, मुझे लग रहा था कैसे कैरी कर पाऊंगी, चलना भी मुश्किल होगा. बट फ्रेंकली मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ भारी कुछ पहना हुआ है. आई एम वेरी कंफर्टेबल. यू हैव टू पुट द पिन. सिक्योर विद द पिन. आप में सब क्लिप्स निकालना है आपको. कल्पना जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि अगर जो पल्ले के जो हम पिन लगाते हैं वो बिल्कुल शोल्डर पर होनी चाहिए, थोड़ा पीछे? मैं पीछे लगाती हूँ, पीछे ही रखना चाहिए, क्योंकि इधर अगर रखेंगे तो कभी कभी साड़ी बैंड हुई हुई लगती है आपको. पीछे सिक्योर रहती है आपकी, नीट भी लगती है, थोड़ा नीट भी लगती है. इसके बाद देखिए ये शॉर्ट पल्लू इतना ही आएगा और उसको पिन लगाना है. तो मैं पल्ले की प्लीट्स बना के उसे राइट साइड डाल के
बिल्कुल से सिक्योर करना है, उसके बाद जो बल्ले का कोना है आप उसको लेकर पीछे लेके जाना है और पीछे करना है, टकिंग करना है कि फिर लगा। अगर आपको कोई की हेल्प नहीं हो तो आप टक कर सकते हैं, नहीं तो कोई की हेल्प हो तो आप पिन लगा सकते हैं। और आप जैसे ये अभी सेल्फ लर्निंग किए हैं तो आप कनेक्ट टक भी कर सकते हो और नहीं तो पिन लगा सकते हैं। Now we have to set this to तो पल्ले की प्लीट्स बनाते वक्त हम जितना आगे की प्लीट्स का ध्यान रखते हैं उतना ही पीछे की भी ध्यान रखना होता है। अभी देखिए आप कैसा लगता है, लहंगा लुक लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मूव करिए इसे, कैसा लग रहा है आपको? आई फील लाइक आई वोर अ वेरी ब्यूटीफुल लहंगा। तो अगर आप नया लहंगा नहीं खरीदना चाहती हैं और अपनी पुरानी साड़ी को भी लहंगा सेलिब्रेट करना चाहती हैं, तो आई एम श्योर आपने कल्पना जी से अच्छी तरह से सीख लिया होगा कि आप अपनी साड़ी को किस तरह से लहंगा स्टाइल में क्रिएट कर सकती हैं।